हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में न्यू एक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, ईपीएफ की तरफ से एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है, एक अच्छी खबर निकल कर आ रहा है आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। दोस्तों, आप सभी पीएफ मेंबर्स पीएफ विड्रॉल करने के लिए फॉर्म सबमिट करते हो, लाइक फॉर्म नंबर 31, 19, 10C या 10D या कोई भी फॉर्म आप अप्लाई करते हैं पीएफ विड्रॉल करने के लिए, पीएफ अधिकारी आपका रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है और कैंसिल में आपको मल्टीपल रीजन यानी बहुत सारे दिक्कतें बताता है और हर बार कोई ना कोई एक रीजन देता है या आपकी पीएफ अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, फिर भी पीएफ अधिकारी की तरफ से आपका रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ईपीएफ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में ईपीएफ ने क्या बताया है और इस सर्कुलर को ईपीएफ की सारे रीजनल ऑफिस यानी कार्यालय में भेजा गया है। तो दोस्तों, अभी से आपका जो रिक्वेस्ट है बिना किसी गलती के या मिस्टेक नहीं होगा, तो ईपीएफ अधिकारी आपका जो रिक्वेस्ट है पीएफ विड्रॉल करने के लिए जो फॉर्म सबमिट किया है रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे बिना किसी रीजन के, बिना किसी वजह के। तो जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहे, आप मैसेज कर सकते हैं, साथ में प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। तो ईपीएफ का सर्कुलर का टैब मैं यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ, तो नीचे यहाँ पर स्लाइड डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल रिजेक्शन ऑफ सेम पीएफ क्लेम फॉर डिफरेंट रीजन ऑफ रिजेक्शन, यानी आप पीएफ विड्रॉल करने के लिए क्लेम सबमिट करते हो, बार बार ईपीएफ अधिकारी आपका क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, इसके लिए ईपीएफ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया है और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ देखने को मिल रहा है, तो इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ सर्कुलर के ऊपर, यार यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएफओ मुख्य कार्यालय, ईपीएफओ हेड ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं बीकाजी कमा प्लेस न्यू दिल्ली, यानी इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूँ। नीचे स्लाइड डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट मल्टीपल रिजेक्शन ऑफ सेम पीएफ क्लेम्स फॉर डिफरेंट रीजन ऑफ रिएक्शन रिकॉर्डिंग, यानी आप पीएफ क्लेम सबमिट करते हो, यानी आप पीएफ क्लेम सबमिट करते हो और आपकी पीएफ क्लेम को ईपीएफ अधिकारी की तरफ से बार बार रिजेक्ट कर देता है, तो इसलिए सर्कुलर जारी किया है। स्लाइड डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएफ मेंबर ने कंप्लेंट किया है और ईपीएफ अधिकारी की तरफ से ईपीएफ मेंबर का कंप्लेंट रिसीव हुआ है, बेनिफिशियरी यानी पीएफ मेंबर का ये मैटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस सर्कुलर का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहे तो दोबारा इसको रीड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी अगर आप पीएफ बैलेंस विड्रॉल करने के लिए रिक्वेस्ट सबमिट करते हो और आपकी पीएफ अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, तो ईपीएफ रिजेक्ट नहीं होगा। आपकी पीएफ अकाउंट में कोई मिस्टेक होगा, कोई गलती होगा, इसके बाद ही ईपीएफ अधिकारी की तरफ से आपका पीएफ क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईपीएफ अधिकारी आपका क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और आपका पीएफ क्लेम अगर रिजेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल जेन्युइन आपको एक रीजन देखने को मिल जाएगा कि किस वजह से आपका पीएफ क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है और इसकी वजह से इस सर्कुलर को जारी कर दिया है कि कई बार बिना रीजन के भी पीएफ अधिकारी आपका क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। तो ये आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छा खबर, एक खुशखबरी है। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना था, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, तब तक के लिए बाय।